ऊंट घोड़ा सारे आ रहे हैं। डाक बंगला चौराहे पे पूरा भीड़ उमड़ चुका है रामनवमी की शोभा यात्रा देखने के लिए। लग रहा है पूरा पटना का आदमी पहुंच गया है। देख रहे हैं नीतीश चाचा जी भी आए हुए हैं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी जी आए हुए हैं रामनवमी की शोभा यात्रा देखने के लिए और भैया भजन। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरे एक और न्यू ब्लॉग में स्वागतम। फिर से आप सभी को रामनवमी के हार्दिक शुभकामनाएं। पिछला ब्लॉग तो आप लोग देखे होंगे रामनवमी वाला, या नहीं देखे हो तो भैया लिंक नीचे मिल जाएगा, जाके देखिए। बहुत ही तगड़ा ब्लॉग है और उसमें सारा कुछ पता चल जाएगा। महावीर मंदिर में कितना काफी ज्यादा भीड़ था, लाखों श्रद्धालुओं रामनवमी में भीड़ था भैया, जाके देखिए पता चल जाएगा। और इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाला है पटना का झांकी, इस बार किस तरह निकलने वाला है, क्या अलग है, सारा कुछ देखने को मिलेगा। और पटना का झांकी हम भी पहली बार देख रहे हैं। और भैया वो जो सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा है अपना एक्स समझ के उसका दबा दीजिए उसका। चलते चलते पहुंच गए पटना के डाक बंगला चौराहा, और पटना के डाक बंगला चौराहा को दुल्हन से भी ज्यादा खूबसूरत सजाया गया। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। देख सकते हैं थोड़ा शाम होते ही पटना के डाक बंगला किस तरह चमकने लगा है, पूरा लाइट से एकदम सजाया गया है। जितना अगल बगल बिल्डिंग है उस पर भी चाइनीज लाइट लगाया गया। इधर भैया मेन द्वार बनाया गया है राम मंदिर के इमेज के, उसके बाद लाइट लगा दिया गया। ये है कॉरपोरेशन जो बिल्डिंग है उसके ऊपर भी पूरा चाइनीज का लाइट से सजावट कर दिया गया है। और इधर भी एक गेट है भैया सीना को चीरते हुए बजरंगबली, देख रहे कितना प्यारा व्यू लग रहा है। थोड़ा शाम होते इतना प्यारा व्यू देखने में लग रहा है ना। इधर से आए थे बाजार समिति के तरफ से, ये रोड से आए थे। ये रोड भी आप जाएंगे तो ये रोड में भी पूरा खंभा में सजावट किया गया है पूरा लाइट से। और ये साइड में तो भैया पूरा जगमगा रहा है, देख रहे कितना काफ़ी ज़्यादा सजावट कर किया गया है। ये सब बड़े बड़े ऑफिसर लोग आए हुए हैं इसीलिए उनके पीछे सभी लोग जा रहे हैं। और बड़े बड़े पुलिस वाले, जितना छोटे अधिकारी है बड़े अधिकारी सारे लोग आए हुए हैं। अभी तो थोड़ा धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है लेकिन कुछ ही देर के बाद देखिएगा बहुत ही खतरनाक भीड़ होने वाला है, क्योंकि अभी भैया अभी पूरा झांकी सब आने वाला है। देख रहे हैं किस तरह बिल्डिंग भैया पूरा लाइट से सजाया गया है, तगड़ा लग रहा है एकदम, इतना प्यारा लग रहा है देखने में। और अभी भजन किया जा रहा है इसीलिए सभी लोग अभी भजन का आनंद ले रहे हैं। देख रहे हैं इधर भैया रोड का गजब का सजावट किया गया है एकदम। पहली बार हम रामनवमी का देख रहे हैं पटना में, क्योंकि भैया हम पटना में रहे नहीं है तो देखेंगे कहाँ से। इधर सारा कुछ देख सकते हैं व्यू भाई तगड़ा। इधर भजन हो रही है और यहाँ पे आरती लीजिए, टीका लेना चाहते 5-10 रुपया दे के यहाँ पे टीका ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वो ऊपर में भी भैया लाइट पानी जैसा चलता है झरना में उसी तरह लाइट लगाया गया है, गजब का लग रहा है प्यारा व्यू। और वो इधर भाई देख रहे हो कितना तगड़ा सजावट किया गया है। श्री श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति, यहाँ पे देखिए राम मंदिर को पूरा लकड़ी से बनाया गया है, कितना काफ़ी ज़्यादा प्यारा देखने में लग रहा है। इधर बगल बगल में हाथी है क्योंकि राम मंदिर जैसा सेम बनाया गया है, जहाँ पे अयोध्या में बना हो उसी के जैसा लकड़ी जैसा यहाँ पे सेम बनाया गया है। और IPS आए भैया उनका जलवा देख सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर जितना सभी लोग आए हुए हैं क्योंकि बहुत ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाला है। झांकी आना स्टार्ट हो चुका है, घोड़े के सवारी करते हुए सभी लोग आ रहे हैं। देख रहे हैं ऊंट घोड़ा सारे आ रहे हैं बहुत, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, पहला झांकी है। अरे भाई ऊंट के साथ कोई बैठे हुए नहीं, ऊंट लगता है एकदम घोड़े के साथ ही चलता है। देख रहे हैं घोड़ा आगे चलेगा भैया, ऊंट खुदे चलने लगेगा। इधर बैंड बाजा भी आ चुका है, ऊंट के पीछे बैंड बाजा भी आते हुए देख सकते हैं। देखिए राम भगवान का चरण पादुका पालकी में ले जाते हुए लोग, सभी लोग देख रहे हैं छूने के लिए कितना बेताब हो रहे हैं लोग। अभी यहाँ पे कुछ ही क्षणों में आरती स्टार्ट होने वाला है देख सकते हैं। और एक पहला झांकी भैया पार जा चुका है और इधर से जितना भी झांकी आएगा इसी रास्ते से आएंगे और ये साइड से महावीर मंदिर के ओर।
और इधर ऊपर में चेयर लगाया गया है, जो लोग वीआईपी का भैया बच्चे लोग हैं, परिवार वाले हैं, वो लोग बैठेंगे, हम लोग नहीं बैठ सकते हैं चेयर पेयर पे, ठीक है। और ये सब जो समिति वाला बनाया गया है, ये सारा श्री श्री समिति सारा कमेटी वाले लोग बैठेंगे। इधर भजन हो रहा है, सभी लोग अभी भजन का आनंद उठा रहे हैं। और उधर राम मंदिर का जो बनाया गया है गेट, मेन गेट मोम का बनाया गया है राम मंदिर का मेन गेट, देख सकते हैं कितना काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है देखने में। अभी भजन सुन लीजिए, रामनवमी भैया मेला घूमते हुए और शोभा यात्रा देखते हुए और भजन को सुनते हुए आपको प्यास लग जाए तो यहाँ पे शरबत का भी सुविधा है, फ्री सर्विस लीजिए और शरबत का भी आनंद उठाइए। और वो साइड में भी शरबत, आगे ये रोड में पूरा आगे जाइएगा स्टेशन के रोड भैया, पूरा सारे जगह शरबत मिल रहे हैं। जिनका खुशी से जिनका श्रद्धालुओं का सेवा करने का मन होता है वो लोग अपना स्टॉल लगाते हैं और भैया सभी श्रद्धालुओं का सेवा करते हैं, कोई फल खिला के, कोई शरबत पिला के आने वाला भैया, इसीलिए इस रोड को खाली करवाया जा रहा है। देख ले पुलिस के द्वारा सभी लोग हटने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी रोड से सभी झांकी क्रॉस करेंगे। इधर देख रहे हैं लाइन में पुलिस लोग लग गए हैं रस्सी को लगा खाते हुए कि कोई भैया बदमाशी ना करे, सीधा सीधा लाठीचार्ज होगा कोई भी गलत काम किए तो। रात होते ही देख सकते हैं कितना काफी ज्यादा भीड़ बढ़ गया, देख रहे हैं पूरा रोड एकदम जाम हो गया, इतना काफी ज्यादा भीड़ हो गया पूरा चारों साइड में। अभी नीतीश जी आए हैं, उन्हीं को झांकने के लिए सब लोग भैया इधर से झांक रहे हैं, लेकिन दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो स्टेज पे चले गए हैं, इसीलिए पुलिस सब रोड उस रोड से भगाए जा रहे थे सभी लोगों को, पता नहीं चल रहा था कि नीतीश सरकार जी आएंगे। डाक बंगला चौराहे पे पूरा भीड़ उमड़ चुका है रामनवमी के शोभा यात्रा देखने के लिए, लग रहा है पूरा पटना का आदमी पहुंच गया है, देख रहे पूरा रोड जाम हो गया एकदम, पूरा उमड़ चुका भीड़। और इसी वक्त मेरा फोन भी ऑफ होने वाला है, 5% बस है और 5% में देखते हैं कितना वीडियो शूट होता है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा शंकर सुवन केसरी नंदन राम दूत तुलित बल धामा महावीर विक्रम हनुमान और नीतीश चाचा जी भी आए हुए हैं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी जी आए हुए हैं रामनवमी के शोभा यात्रा देखने के लिए और भैया भजन का भी मनोरंजन उठा रहे हैं।